स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग जो है परीक्षा सार उसको पूरी तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको आपको जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, ये मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे पशु चिकित्सा, उससे संबंधित पशु रोग और जांच और पशु के नस्लें जो होते हैं गाय और भैंस के और प्रबंधन, इन सबसे जो क्वेश्चन है जो आपका 12th एग्जाम में यानी कि 12वीं में आता है उन सब के बारे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, दीर्घोत्तरी, ठीक है। दीर्घोत्तरी मतलब हो गया कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसके बारे में। तो लाइक बिल्कुल ही कीजिए, शेयर कीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्कुल। और आपके मन में कोई भी डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने के बाद आपको जरूर ही आंसर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, ये देख लीजिए कि पहला प्रश्न क्या है दीर्घोत्तरी प्रश्न में। पहला जो है पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली जो, इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे दिए रहेंगे कि प्रमुख उपकरणों की सूची बनाइए या फिर क्या रहेगा कि ये चीजें हैं इनके बारे में आप बताइए या समझाइए। जैसे कि बुल मास्क हो गया, थन साइफन हो गया या धमनी चिमटी हो गया, इनके एक एक कार्य क्या होते हैं, एक एक कार्य क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर कैथेटर हो गया, बुल नोज हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन जो है 2010 सी सेट में, 13 में सी सेट में और उसके बाद 13 में ए सेट में भी आया है और बी ए बी सी तीनों में भी आया है और बी सेट में भी आया है 2020 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ और देख सकते हैं ये कौन कौन से इक्विपमेंट है उनको पूछा गया। तो सबसे पहले देखते हैं वर्डिजो कास्ट्रेटर, ठीक है, इसको कहा जाता है बच्चों वर्डिजो कास्ट्रेटर। कास्ट्रेशन मतलब होता है बधियाकरण, कास्ट्रेशन मतलब क्या होता है, बधियाकरण। तो वर्डिजो कास्ट्रेटर का मतलब होता है पशुओं का जब बधियाकरण करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, आपको एक एक लाइन लिखना है क्या, वर्डिजो कास्ट्रेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, पशुओं को बधिया करने के लिए, किस लिए किया जाता है, पशुओं को बधिया करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको एक वर्डिजो नाम के वैज्ञानिक थे इटली के, इन्होंने इस यंत्र का आविष्कार किया था, इसको भी याद रख सकते हैं। दूसरा यंत्र है मुंह खोलने वाला यंत्र। अब मुंह खोलने वाला यंत्र क्या काम करेगा, मुंह को खोलने वाला काम। तो वर्डिजो कास्ट्रेटर पशु को बधिया करने के लिए, मुंह खोलने वाला यंत्र मुंह को खोलने के लिए, ठीक है। मापक ग्लास, मापक मतलब होता है मापने वाला, मापक मतलब क्या होता है, मापने वाला। तो ये क्या होता है मापक ग्लास, इस तरह से आपका रहेगा, ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। मापक गिलास क्या होगा कि इसमें मापने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नंबरिंग रहता है, ये मापक गिलास रहेगा और इसमें नंबरिंग किया रहता है कि 1 लीटर है कि 5 लीटर। तो इसमें लिक्विड को मापने के लिए, तो याद रखिए तरल जो दवाई होते हैं, तरल जो दवाई होते हैं या दवाएं होते हैं उनको क्या करते हैं, मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मापक गिलास का उपयोग किस लिए किया जाता है, तरल दवाओं को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कृत्रिम योनि, आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो नर पशुओं का वीर्य को इसी में संग्रहित करते हैं, ठीक है, या एक तरह से आप लिख सकते हो कि नर पशु के वीर्य को एकत्रित कलेक्शन ऑफ सीमेन, ठीक है, वीर्य को एकत्रित करने के लिए कृत्रिम योनि यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना का उपयोग करते हैं। फिर आता है कैथेटर, ठीक है, कैथेटर, कैथेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पशुओं के जो पेशाब बंद हो जाते हैं, पशुओं में जब पेशाब बंद हो जाते हैं तो उस पेशाब को क्या करते हैं, निकालने के लिए, ठीक है, आसमान में बंद, एक तरह से कहा जाए कि पशुओं के बंद पेशाब को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैथेटर। ये आपका पीएटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आता है सेचक, क्या आता है, सेचक, इंसिमिनेटर भी कहा जाता है इसको। तो ये घाव को धोने और मादा के जनन इंद्रियों की सफाई करने का काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है सेचक जो है, तो ये घाव को धोने का और जनन इंद्रियों के, कौन सा, मादा के जनन अंगों का जो होते हैं उनकी सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ये हो गया। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है नेत्र
चेचक, मतलब इसका क्या होता है, ऐसे पशु जिनका कहीं आंख को लग दिया है या आंख में किसी प्रकार के आंख संबंधी बीमारी हो गया है तो उनका आंख जो है खुल नहीं पा रहा है। अब आंख खुल नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका उपयोग किसके लिए करेंगे, तो ऐसे लगा दिए रहते हैं आंख में, ठीक है। जैसे कि आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे दांत वाले तोड़वाने वगैरह के लिए, आपके दादी वादी कोई गए होंगे तो देखना ऐसे मुंह में लगा दिए रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुंह खुला रहता है, वैसे आंख में ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि आंख में कुछ करेंगे पशु तो खोल के रखेंगे नहीं, है कि नहीं, ठीक। उसके बाद आता है ड्रेचिंग चिमटी। ड्रेचिंग चिमटी का यूज किस लिए किया जाता है, ड्रेचिंग केस करते समय विभिन्न वस्तुओं को उठाने के काम आता है, ठीक है। ड्रेचिंग क्या करता है तो ये याद रखिए, ड्रेचिंग फोर्स, चिमटी मतलब क्या होता है चिमटी, तो ये ड्रेचिंग करते समय क्या करेंगे, विभिन्न वस्तुओं के क्या करते हैं, उठाने का काम करता है चिमटी, क्या करता है उठाने का काम करते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। धमनी चिमटी, धमनी चिमटी का उपयोग किस लिए करते हैं, ऑपरेशन करते समय धमनी को काट कर, ऑपरेशन करते समय धमनी को काट कर रक्त प्रवाह को बंद करने के लिए, जैसे ऑपरेशन करते रहे तो धमनी वगैरह को काट दिए, तो काटने के बाद क्या करते हैं उसको ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को जो स्पीड से बह रहा है उसको रोकने के लिए धमनी चिमटी का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर, सब बचपन से जान रहे होंगे थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, पशुओं के तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आता है योनि विच्छेदन यंत्र, यानी कि वेजाइना का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। थन साइपन, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन भी आता है, थन साइपन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो थन साइपन का उपयोग थैनैला रोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है तो याद रखिएगा थैनैला रोग, तो थैनैला रोग यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक, उससे पीड़ित जो पशु होते हैं उनके थनों से दूध निकालने के लिए, ठीक है। थनैला रोग से पीड़ित जो पशु होते हैं तो उनके थनों से दूध निकालने के लिए थन साइफन का उपयोग किया जाता है। फिर आता है स्पेचुला, ये क्या करते हैं, एक तरह से इस तरह से मटका टाइप का रहेगा या बर्तन टाइप का रहता है, एक मीट कांच का रहता है या तो फिर ये रहेगा चीनी के बर्तन में, जिसमें दवाई को मिलाने का काम करते हैं, क्या करते हैं दवाई को मिलाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है ब्रांडिंग रॉड, क्या आता है ब्रांडिंग रॉड, ब्रांडिंग मतलब होता है दागना, क्या होता है दागना, तो पशुओं के पहचान करने के लिए, पशुओं के पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, उनके शरीर में दागने के लिए एक रॉड होता है, जैसे कि ये 6 नंबर का है, अब 6 नंबर को उसके शरीर में मुझे दागना है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो उल्टा 6 लिख दिए हो, ये तो उल्टा 6 दिख रहा है, अरे भाई वो उल्टा रहेगा, और जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद पशुओं के शरीर में डालेंगे तो ये हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा सीधा, क्लियर। तो याद रखिएगा ब्रांडिंग रॉड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पशुओं के पहचान करने के लिए, चाहे 6 नंबर हो गया, कोई अंक हो सकता है या और कोई हो सकता है, ठीक है, या कोई सिम्बॉल हो सकता है, ये पशुओं के पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको हॉट ब्रांडिंग कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब हॉट ब्रांडिंग किसको बोलेंगे या गर्म दागना, ठीक है, हॉट ब्रांडिंग या गर्म दागना, जब हम जो आयरन रहता है उसको गर्म करने के बाद पशु के शरीर में डालते हैं तो गर्म दागना होता है, अगर वही हम लोग केमिकल के थ्रू करेंगे तो ये ठंडा दागना होना, यानी कोल्ड दागना। फिर आता है प्रोब, क्या आता है प्रोब, प्रोब का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिए घाव की गहराई को नापने के लिए, ठीक है, कि घाव की कितना गहराई है इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रोब का उपयोग किया जाता है। घाव की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रोब का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग प्रोब। उसके बाद ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेकर एंड कैन्यूला, ये आपका PAT एग्जाम में भी पूछा गया है, ट्रेकर और कैन्यूला का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ट्रेकर और कैन्यूला का उपयोग याद रखिएगा अफरा डिसीज में किया जाता है, किसके में किया जाता है अफरा डिसीज में, ठीक है। ट्रेकर एंड कैन्यूला एक तरह से सुई तरह नोकीला टाइप का रहेगा, ठीक, नुकीला टाइप के रहते हैं, तो ये क्या होगा कि अफरा डिसीज में क्या होते हैं कि उनका पेट में गैस भर जाता है, अफरा डिसीज में क्या होता है पशुओं के शरीर के में क्या हो जाए गैस भर जाता है उनके पेट में, तो वो इसके द्वारा क्या करते हैं उसको छेदते हैं, पेट को क्या करते हैं ऐसे करके छेदते हैं, छेदने से क्या होता है कि गैस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो इसीलिए याद रखिएगा ट्रेकर और कैन्यूला का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पशुओं के पेट में भरे हुए गैस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है।
फिर आता है डॉकिंग मशीन, ठीक है। डॉकिंग मशीन यानी कि डॉकिंग मशीन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। डॉकिंग मशीन का उपयोग याद रखिए मेनली जो है भेड़ में करते हैं, किसमें करते हैं, भेड़ में किया जाता है। डॉकिंग मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अभी आपको बताऊंगा ये किसमें किया जाता है, तो भेड़ में किया जाता है। डॉकिंग मशीन का उपयोग याद रखिएगा पूंछ काटने के लिए किया जाता है, किसलिए किया जाता है, पूंछ काटने के लिए, ठीक है। अब पूंछ क्यों काटते हैं, कैसे काटते हैं, ये आपको पीएटी के जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा कि कैसे उनके पूंछ काटा जाता है, ठीक है, क्यों काटा जाता है, क्योंकि यहाँ आपका ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ रिलेटेड ही जानिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं जरूर बताते जाऊँ। जैसे भेड़ में किया जाता है, इसको याद रखिए टेल कटर भी बोलते हैं, टेल मतलब पूंछ, पूंछ को काटने वाला टेल कटर, तो डॉकिंग मशीन उसी कहा जाता है। और एक किसमें किया जाता है, मुख्य रूप से याद रखिए भेड़ में किया जाता है, किसमें किया जाता है, भेड़ में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया पशु में कौन कौन सा जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है वो है। अब पशु में एक महत्वपूर्ण रोग होता है खुरपका मुंहपका, कौन सा रोग होता है, खुरपका मुंहपका। तो ये खुरपका मुंहपका इसमें क्या हो जाता है, पशु के जो पैर होते हैं और खुर होते हैं यानी कि मुंह, ठीक है, मुंह हो गया और खुर हो गया, खुर पका मुंह पका, मतलब खुर और मुंह में क्या हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ने के बाद वहां घाव हो जाता है, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिए खुर पका मुंह पका को और क्या नाम से जाना जाता है, तो खगुआ वगुआ ये सब कहा जाता है, ठीक। वो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुर पका मुंह पका बीमारी का क्या है, कारण का नाम बताना है, किसके कारण होता है, ठीक। उसके बाद इसका लक्षण बताना है, क्या बताना है, लक्षण, फिर रोकथाम बताना है और क्या उपचार करते हैं ये बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार और क्या आया है कि खुरपका मुंहपका रोग के तीन लक्षण लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है ये। खुरपका मुंहपका को और कहा जाता है फूट एंड माउथ डिसीज, क्या कहा जाता है, फूट एंड माउथ डिसीज, फूट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं FMD, क्या कहते हैं, FMD, शॉर्ट में कह देते हैं FMD। ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ये वायरस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। और वायरस के अलग अलग है, जैसे यूरोपियन है, जो यूरोप के देश है वहाँ पे कौन सा वायरस का उपयोग किया जाता है, वैसे दक्षिण अफ्रीका में है ये कौन सा वायरस होता है, कौन कौन से वायरस के द्वारा, तो याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा AOC वायरस किसके लिए होता है, यूरोपियन देश के लिए, और साउथ अफ्रीका जो है उसमें SAT 1, SAT 2, SAT 3 इस वायरस मेनली याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका PAT एग्जाम में भी पूछा जाता है, MP PAT में भी पूछा जाता है, ठीक, कि FMD जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो FMD यानी कि खुरपका मुंहपका जो बीमारी होता है वो वायरस के द्वारा होता है, वायरसों का नाम लिख देना, ठीक है। वायरस का नाम क्या होगा, AOC वायरस, अलग अलग है, ए वायरस, ओ वायरस, सी वायरस, और SAT 1, SAT 2, SAT 3 और ACR1 वायरस करके आप लिख देना, ठीक है। आसमान में इतने में आपको इस 9 में एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसका लक्षण लिखना है आपको, क्या लिखना है, लक्षण, ठीक है। ये छूतदार बीमारी होती है, छूतदार बीमारी क्या होते हैं कि जो ऐसे पशु जो बीमार है, ऐसे पशु जो बीमार है और स्वस्थ पशु उसके कांटेक्ट में आ गया, तो स्वस्थ पशु को भी ये बीमारी हो जाएगा। जैसे कोरोना होता था, है कि नहीं, जो एक क्या होता है कि बीमार है वो छींक दिया, खांस दिया, तो वायरस उसके में चला गया, ये भी वायरस के द्वारा होता है इसी तरह से, ठीक। तो ये कैसे फैलता होगा, तो ये खाने के द्वारा, जैसे कि एक ही साथ एक ही बर्तन में खा रहे हैं, ठीक है, या एक ही चारागाह में चर रहे हैं उसके द्वारा एक ही बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, आसन में, तो इसके द्वारा और एक झुंड से दूसरे झुंड में मिल रहे हैं, इसके कारण ये वायरस जो होता है वो फैलता है। प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो प्रमुख लक्षण होता है पशु के पैर में और मुँह में, पशु के पैर और मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ने के बाद वो जो छाला होता है उसमें मवाद भरने लगता है, पस बोलते हैं जिसको, मवाद भरने लग जाएगा और वो पीला पीला दिखने लगता है, ठीक है। और जैसे ही वो मवाद जो है फटता है, यानी कि मतलब जो आपका घाव जो छाला बना था वो फटता है, तो वो क्या आता है, घाव हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा पशु के, अब सोचो, अब थोड़ा देखो रिलेट करते जाना, पशु के मुँह में घाव हो गया है,
पैर में घाव हो गया है छाला बन के, ठीक है। अब मुंह में घाव बन गया, देखो आपके मुंह में भी छाला हुआ होगा, तो खाना पीना त्याग देंगे, मतलब खा पी नहीं पाएंगे। पैर में हो गया है तो चल नहीं पाएंगे। तो ये इसका प्रमुख लक्षण होता है कि खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात बंद कर देंगे, पैर से चल नहीं पाते हैं और पैर को बार 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 जमीन में फटकते रहते हैं। जैसे हमको लग देता है तो हम क्या करते हैं कि उसको जैसे हाथ को लग गया तो हाथ को ऐसे करते रहते हैं ना, वैसे ही क्या किया जाता है, ये जो होते हैं वो जो है अपने पैर को बार बार पटकते रहते हैं, क्योंकि पैर में उनको भी दर्द होता होगा, है कि नहीं। ठीक, जुगाली करना बंद कर देते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी का उपचार क्या है, ठीक है। तो इसका देसी उपचार क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि इनके पैर में घाव वगैरह हो जाते हैं तो घाव को क्या करते हैं, फिटकरी वगैरह से साफ करते हैं, ठीक है। फिटकरी क्या होता है, ब्लड बहने नहीं देता, ब्लड को रोकने का भी काम करता है। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कि सैलून वगैरह तो नहीं था, अभी तो बहुत सारे डेटॉल वेटॉल ये सब आते, पहले एक सफ़ेद टाइप का आपका फिटकरी आता था, तो जैसे सैलून में अगर बाल वगैरह काट रहे हैं या दाढ़ी वगैरह बनवा रहे हैं तो कट जाता था, तो फिटकरी वो लगाते थे, चेहरे में चमक लाता था और जो ब्लड बहता था उसको भी रोकने काम करता था। तो उस फिटकरी के घोल को क्या करते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट हो गया उसके सॉल्यूशन या बोरिक एसिड हो गया, इनको उसके घाव में लगाते हैं। घाव में लगाने के बाद हनी जो होता है उसका लेप लगा दिया जाता है, किसका, हनी का लेप लगा देते हैं, यानी कि जो हनी मतलब समझ रहे हो ना, शहद, ठीक। तो याद रखिएगा शहद हो गया, देखो ये देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो फिटकरी का घोल को लगा सकते हैं, या उसके बाद कॉपर सल्फेट हो गया और पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, इनका लगा सकते हैं, इसके साथ एक भाग बोरेक्स का और हनी यानी कि शहद का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप खुरपका मुंहपका जो वैक्सीन होता है इसका, ठीक है, FMD वैक्सीन होता है, उसको SC इंजेक्शन देना है। SC इंजेक्शन क्या होता है, सब क्यूटिकल यानी कि त्वचा के नीचे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, उसको SC इंजेक्शन कहा जाता है। यहीं पे सुन लो, और कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। SC इंजेक्शन और एक हो गया कौन सा, IM इंजेक्शन, कौन सा, IM इंजेक्शन, ये तो आप सब लोगों का फेवरेट होगा। IM मतलब होता है मसल्स, इंट्रा मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशी, तो सबके पीछे में लगा होगा, तो ये इसको जो लगाते हैं पीछे में वो IM इंजेक्शन है। SC क्या होता है, सब क्यूटिकल, त्वचा के नीचे, त्वचा के जस्ट नीचे में इंजेक्शन देते हैं, ये सब SC इंजेक्शन कहलाता है। और एक होता है IV इंजेक्शन, वेन्स, जो नसों में लगाते हैं, नस में सुई लगाते हैं, ठीक है। क्लियर आ रहा समझ में, सब कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा, सर ये चीज़ समझ नहीं आई या ये चीज़ को और बताइए, बिल्कुल बताएंगे आपको। और इसका टीका कम से कम याद रखिएगा, ये इसका टीका कब लगाते हैं, 1 से 6 माह, ठीक है, 1 से 6 माह की उम्र में 3 बार इनको जरूर लगवाते हैं हर साल, क्योंकि बरसात के सीजन में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एक फूड बाथ बनाया जाता है, फूड बाथ मतलब होता है नहाना, ठीक है। तो पशुओं के लिए क्या किया जाता है कि 12 फुट चौड़ा, ठीक है, 12 फुट चौड़ा, इस तरह से 12 फुट चौड़ा हो गया, ठीक। और फिर क्या होगा, 3 फुट गहरा, 12 फुट चौड़ाई में और 3 फुट गहरा, और 1 फुट क्या होगा, दोनों साइड में पूल टाइप का बना देते हैं, या एक तरह से आप स्ट्रक्चर बना, स्विमिंग पूल होता है ना वैसे देखिए वैसी। फिर इसमें क्या किया जाता है, सुबह शाम पशुओं को चलाया जाता है, और इसमें कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसको नेला थोथा कहा जाता है, उसको उस केमिकल को उस जो बनाया है गड्ढा टाइप का, उस गड्ढे में उसको फूट बाथ कहते हैं, क्या बोलते हैं, फूट बाथ, या उसको बोलते हैं पैर डुबकी, क्या कहा जाता है, पैर डुबकी। उसको उसी में क्या करते हैं, पैर को बार बार, क्योंकि उनका पैर को हर, आपके मान लीजिए अगर 15-20 पशु हो गया तो एक एक के पैर को कहाँ धोते रहोगे, ठीक है। तो केमिकल को क्या करेंगे, घोल देते हैं इसी गड्ढे में, ऐसा गड्ढा बनाने के बाद, और उसी में क्या करते हैं, पशुओं को सुबह शाम चलाते हैं। अब सुबह शाम चलाने से क्या होगा कि पशु को हम लोग जब सुबह शाम चलाते हैं तो उसका पैर जो होता है वो धूल जाता है, पैर जो होता है वो धूल जाता है, क्लियर आसवन में। तो ये इसका उपचार हो गया बच्चों, तो इस तरह से आप लिख लेना एग्जाम में।
फिर आता है थनैला रोग से संबंधित निम्न जानकारियां दीजिए, ये पांच नंबर में आए आए आपका सब आएगा कि इसके जानकारी दीजिए, उसके जानकारी, और उसमें लिखा रहेगा कि उसके रोग कारक का नाम बताना है, लक्षण का नाम बताना है और ट्रीटमेंट, ये पांच नंबर में आना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, दो स्थानीय नाम, कि स्थानीय नाम क्या है, लोकल नेम कहा जाता है, रोग के कारण, किस रोग के मतलब किसके कारण हो रहा है ये, और छूत के रक्त के ढंग मतलब किसके द्वारा ये फैलता है, और दो प्रमुख लक्षण और रोग के निदान, ठीक है। आसमान में तो याद रखिएगा थनैला रोग का ये जो स्थानीय नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, याद रखिएगा स्तन शोथ, क्या है स्तन शोथ, और क्या नाम है गार्गेट, और क्या नाम है बच्चों गार्गेट, और क्या नाम है अयनशीत, क्या अयनशीत, अयनशीत इसलिए कहते हैं कि थनैला रोग होने से उनका आयन जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। आसमान में तो ये नाम याद रखिएगा, इसका लोकल नेम क्या है, स्तन शोथ, गार्गेट, अयनशीत, क्लियर है ना, ठीक ये हो गया। उसके बाद लोकल नेम के बाद आता है लक्षण, कि इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखो पांच नंबर में रहेगा तो थोड़ा आपको डिटेल में लिखना है, मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट होता है वही बताते जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हुआ मतलब देखेंगे नहीं, है ना। तो आप ही के रखा जा रहा है कि उतना ही बताएं जो आपका मेन पॉइंट आप जिसको लिख सके, बाकी तो अपने हिसाब से लिखना ही है कि नहीं। रोग कारक किसके द्वारा होता है, तो बच्चों याद रखिएगा ये जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। थनैला रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया, तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोफिलस कोकाई बैक्टीरिया और बी कोकाई बैक्टीरिया, ये इन बैक्टीरियों के द्वारा होता है थनैला रोग, इसको याद कर लीजिएगा। छूत लगने के ढंग, छूत लगने के ढंग कि ये किसके माध्यम से फैलता है, तो याद रखिएगा थनों में अगर चोट लग गया है, ठीक है, और या तो रगड़ से, ग्वाले के गंदे हाथों से, तो एक क्वेश्चन भी आता है पीएटी में कि कौन सा विधि के द्वारा अगर हम लोग दूध दोहन कर रहे हैं तो उससे थनैला रोग होने की संभावना रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों वो है अंगूठे के द्वारा, नकलिंग मेथड कहा जाता है, ठीक है। तीन विधि होते हैं हाथों के द्वारा दूध दोहने का कार्य कर रहे हैं, तो एक तो होता है चुटकी विधि, ये जो सामने का दो उंगली दे रहे हैं और ये थन को इस तरह से पकड़ लेते हैं, दूध दोहने का कार्य करते हैं, तो ये हो गया आपका चुटकी दूही। उसकी उसी तरह से याद रखिएगा कि पूर्ण हस्त दोहन विधि, जिसको फुल हैंड मेथड कहा जाता है, तो ये चार उंगली हो गया, चार उंगली के बीच में ऐसे थन को फंसा लेते हैं, ये हो गया चार उंगली, ये अब उसके बाद दूध दोहने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंगूठा जो होता है उसके द्वारा रगड़ नहीं होता है तो छिलने का चांस नहीं रहता इन दोनों के। फिर आता है अंगूठा विधि, अंगूठा विधि में क्या किया जाता है, थन को तो यहां रखेंगे, फिर अंगूठे के द्वारा उसको ऐसे खींचते हैं। अब अंगूठे के द्वारा खींचते हैं तो इससे क्या हो जाता है, बार बार खींचने से उसमें छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा कि छाले पड़ने के बाद उसमें थोड़ा घाव हो जाता है, चोट हो जाता है, या बार बार खींचने से छिल जाता है, तो उसमें थनैला रोग होने की संभावना रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंगूठे विधि यानी नकलिंग मेथड के द्वारा थनैला रोग होने की संभावना होता है, ये पीएटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है इसके लक्षण क्या है, इसके दो लक्षण बताना है, तो इसके आयन जो होते हैं सूज जाते हैं और उसमें गांठ पड़ जाते हैं, ठीक है, और इनका जो आयन होते हैं याद रखिएगा ठंडे पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको आयन शीत कहा जाता है आसमान में, और आयन को जैसे ही छूते हैं ना तो दर्द महसूस होता है, उनको बहुत दर्द होता है, ठीक है। आसमान में नाक हो गया, मुंह से इनसे थोड़ा लार निकलने लगता है, ठीक है। आसमान में रोग के निदान, मतलब अब इस रोग हो गया तो इस रोग का क्या क्या लक्षण है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, तो ये है कि इनका जो सूजा हुआ जो इनका आयन होते हैं या गांठ होते हैं उनको क्या किया जाता है कि जो गर्म कपड़े होते हैं उनसे टच करते हैं ताकि उनका थोड़ा दर्द कम हो। उसके अलावा स्ट्रिप कप, क्या स्ट्रिप कप, स्ट्रिप कप में क्या किया जाता है, इनका मिल्क को लिया जाता है, और मिल्क को लेने के बाद क्या किया जाता है, लेबोरेटरी होते हैं वहाँ भेज देते हैं और उसका परीक्षण किया जाता है कि इसमें किस, क्योंकि ये
दो तीन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, कितना उसमें नुकसान हो सकता है। एक और क्वेश्चन आता है पीएटी में कि कौन सा रोग होता है जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, तो थनैला रोग है। ठीक है, आसन में है ना। उसके बाद इनका जो होता है चिकित्सा विधि के द्वारा क्या क्या है, तो इसके थनों में पेनिसिलिन का लेप लगा देते हैं। ठीक है, आसन में पेनिसिलिन का क्रीम का लेप चढ़ा देते हैं और इनकी थनों की साफ सफाई रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको पशुओं को थनैला का टीका लगवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? थनैला का टीका लगवाना चाहिए, ये इसका उपचार है। ठीक है, आ रहा समझ में? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं। ठीक, पशुओं की जांच का क्या महत्व है, ये एनिमल जजिंग का क्वेश्चन है कि पशुओं को हम लोग जांच करना क्यों जरूरी है। तो पहला तो ये हो गया कि पशुओं का जो दूध उत्पादन क्षमता है उसका अनुमान लगाने के लिए कि इस पशु का लक्षण ऐसा दिख रहा है, इसमें इसका सिम्टम से इसका कितना दूध उत्पादन हो सकता है ये। दूसरा होते हैं उनके शरीर के बारे में जानना कि उनके शरीर के स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो दूध उत्पादन के लिए अच्छा है कि कृषि कार्य के लिए अच्छा होता है, इसके लिए किया जाता है। उनके शरीर के भार को ज्ञात करने के लिए, बॉडी वेट को ज्ञात करने के लिए, और याद रखिएगा बॉडी वेट को ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग कहते हैं, सैफर फार्मूला का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पशुओं की जो जवानी है यानी कि वो जवान है वृद्ध है, इस अवस्था को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उम्र का सही पता नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो पशु है वो अच्छा है और कौन सा पशु जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक, आसमन में पशुओं को, क्योंकि उनके बॉडी वेट को हम लोग जान लेंगे तो कितने मात्रा में उनको आहार देना है, ये सब चीज है, इस सब चीजों की वजह से उनका जांच करना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, फिर है प्रबंधन के किन्हीं पांच सहायक बिंदु को बताइए, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन एग्जाम किसी न किसी ईयर में आया है उसको बताएंगे। ठीक है, अच्छा ये अब बताते हैं अच्छे गाय और अच्छे भैंस में के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो ये भी आप पढ़ने वाला चीज है, पढ़ सकते हैं कि अच्छी गाय कैसा होगा और अच्छी भैंस क्या क्या, क्या लक्षण होंगे। दोनों का जो शरीर होगा ये सुगठित होना चाहिए यानी कि वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, उनके आयन, देखो गाय और भैंस से हमको दूध की मात्रा ही लेना है। ठीक है, उनसे तो हम लोग मांस उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में तो गाय हमारी माता है और भैंस हमारी क्या है, मौसी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इनका जो आयन होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, मतलब इनका साइज बड़ा होना चाहिए जिससे दूध की मात्रा ज्यादा हो सके। ठीक है, इनकी त्वचा पतली होना चाहिए, शरीर जो मुलायम होना चाहिए। ठीक है, और ये शुद्ध नस्ल होना चाहिए, इनका स्वभाव होना चाहिए, और जो दुधारू पशु होते हैं उनका आकार जो होता है त्रिभुजा आकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजा आकार होता है, याद रखिएगा। आयन में सबसे ज्यादा जो आयन होते हैं, आयन ये देखो, ये दोनों आपको बता देता हूँ, आयन के इसको बोलते हैं थन, क्या बोलते हैं? थन, और इसको बोलते हैं आयन। तो ये आयन में बहुत सारे ऐसे उभरी हुई दूध नलिकाएं होती हैं, क्योंकि दूध वाली नलिका जितना ज्यादा अच्छे से रहेगा उतने ही दूध की मात्रा होगी। ठीक है, तो ये लक्षण है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबर कतार वाली, डबर कतार वाली मुंह से मुंह और एक तो कौन सा टेल टू टेल, इन दोनों विधि के तुलना करना है। ठीक है, एक तो होता है माउथ टू माउथ मेथड्स होता है और एक होता है टेल टू टेल। तो माउथ टू माउथ और टेल टू टेल दोनों मेथड्स में क्या अंतर है या क्या उसमें चीजें हैं उसका हम लोग को तुलना करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, आसमान में देखो मुंह से मुंह वाली विधि क्या होते हैं ये समझना, ये उनका सिर है और ये इनका पूंछा है। ठीक है, तो मुंह से मुंह वाली विधि में दोनों का मुंह क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। ठीक है, दोनों का मुंह क्या होते हैं, आमने सामने। मुंह से मुंह वाली विधि में, माउथ टू माउथ वाले में दोनों पशुओं का मुंह क्या होगा, आमने सामने रहेगा। ठीक है, आसमान में पूंछ से पूंछ वाली विधि में इसमें क्या रहेगा, दोनों का जो पूंछ रहेगा वो पूंछ सामने रहेंगे। ठीक है,
तो एक तरह से कह सकते हैं मुंह से मुंह वाली विधि में दोनों का मुंह आमने सामने होता है, पूंछ उनका दीवार की तरफ होता है, ठीक है। और पूंछ से पूंछ वाली विधि में क्या होगा, दोनों का मुंह जो रहेगा वो दीवार की तरफ रहेगा, पूंछ जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं, ठीक है। आसन में इसमें क्या होते हैं, इस विधि में 50 पशुओं के लिए इतना जगह चाहिए, पढ़ लेना आप लोग, ठीक। इसके लिए इतना जगह चाहिए, इसको भी पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये डाटा है बच्चों, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो उसके बाद आते हैं चारे का वितरण। अब आप देखो चारे का वितरण करना किसके लिए आसान है, मुंह से मुंह वाली विधि में आसान है कि पूछ से पूछ विधि। अब देखो दो ये आमने सामने है तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, चारा को आसानी से हम लोग दे सकते हैं। चारा देना किसमें आसान होगा, ये मुंह से मुंह वाली विधि हो गया, ठीक। तो इसमें चारा जो है एक ही लाइन में, चारा देने कितने रास्ते रहेगा, एक ही रास्ता रहेगा, इसी रास्ते से हम लोग इसको चारा दे दिए, इसी रास्ते से इसको चारा दे दिए, दोनों को ये लेता है ये लेता है ये लेता है ये लेता है, ये ऐसे बांटते चलते गए, है ना। और पूछ से पूछ वाली विधि में क्या होगा कि उसका मुंह उधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है कि नहीं। अब इससे क्या परेशानी होगा कि इसका मुंह उधर है तो उसको पहले उधर वाले चारा दो, फिर घूम के इधर से चारा दो, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक। आसन में आया कि नहीं आया, ठीक। अब इनका मुंह से मुंह वाली विधि में क्या होगा, एक और मुंह से मुंह आमने सामने है और इनका पूछ किधर है, दीवाल की तरफ है, तो दीवाल को मुंह से मुंह वाले वाले ज्यादा गंदा करेंगे, है कि नहीं। पट से गिरा छट से दीवाल में, पट से गिरा छट से गोबर दीवाल में, है कि नहीं। इस तरह से आ रहा है, आपने देखे हो ना, छट से छिटकता है फिर चल जाता है, ठीक। आ रहा समझ में, सबको आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। उसके बाद दीवाल किसमें ज्यादा गंदा हो रहा है, मुंह से मुंह वाली विधि में। और याद रखिएगा पूछ से पूछ वाली विधि में क्या होगा, कृषि से संबंधित मतलब जो दूध उत्पादन हो गया और पशु का जो सफाई है, ठीक है, वो आसानी से होगा क्योंकि उनका दोनों का मुंह इस साइड है, भले चारा देने में दूध है लेकिन दूध दुहने का कार्य हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। अब दूध दोहने का कार्य करने के लिए जाना पड़ेगा इधर पीछे साइड, तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, इसके लिए भी ऐसा जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पूछ से पूछ वाले विधि में दोनों का पूछ आमने सामने होते हैं। अब दोनों का पूछ आमने सामने रहेगा तो दूध दोहने का कार्य भी एक ही रास्ता रहेगा, दूध दोहने के कार्य के लिए एक ही रास्ता रहेगा। इसका दूध दो लिए, फिर इसका दूध, इसका जो गोबर है उसको साफ कर लिए इधर, इसका गोबर को साफ करो फिर इधर आओ, तो ये परेशानी होगा। सूर्य के प्रकाश जो होते हैं पूछ से पूछ वाली विधि में क्या होगा, एक समान रूप से मिलता है क्योंकि लाइट वहीं रहेगा, तो पूछ से पूछ वाली में पूरा अच्छे सफाई हो जाता है, लाइट भी ऐसे ही तरह से मिलता है। मुंह से मुंह वाली में इधर मुंह है इनका पूछ है, तो उधर वो कोने वाला जो रहेगा पशु उसको नहीं दिखेगा, है कि नहीं। आसन में तो अगर ये देखा जाए दोनों विधि में, दोनों विधि में ये देखा जाए कि दूध उत्पादन की क्षमता के और मतलब दूध जो है किससे जल्दी ले सकते हैं, किससे सफाई कर सकते हैं, उसके बेस पे हम लोग देखेंगे तो पूछ से पूछ वाली विधि अच्छी होती है एज कंपेयर टू मुंह से। अब मुंह से मुंह वाली विधि में क्या होगा, लड़ाई भी ज्यादा होते हैं, अब वो आमने सामने घूर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे कर, अब तू निकल तेरे कोटने के सामने मारूंगा ऐसे वाला, है ना। तो मुंह से मुंह देखो बीमारी एक किसी को एक हो गया वायरस वाला, अब मुंह से मुंह वाली विधि में क्या होगा, एक को बीमारी हुआ उसके मुंह के थ्रू सांस ले रहे हैं आमने सामने तो उसके में चला गया, तो बीमारी फैलने का भी चांस मुंह से मुंह वाली विधि में ज्यादा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।